महामाया मंदिर ट्रस्ट द्वारा संचालित लखनी देवी मंदिर में चौथी बार बीती रात 3 नकाबपोश आरोपियों ने ताला तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया है। रात लगभग 12 बजे कुछ अज्ञात आरोपी हथियारों से लैस मंदिर में घुसे और लोहे काटने की आरी से दरवाजे का ताला काटकर अंदर तलाशी ली, लेकिन राहत की बात यह रही कि उनके हाथ में कुछ नहीं लगा। घटना के वक्त उनकी पूरी हरकत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। हालांकि जिससे मिटाने के लिए चोरों ने ऊपर मंदिर में लगे डीवीआर रिकॉर्डिंग भी ले उड़े, लेकिन उसका एक और बैकअप जो पहाड़ के नीचे कार्यालय में रखा रहता है जिसमें पूरी घटना रिकॉर्ड हो चुकी थी। देर रात लगभग 1:30 बजे जब चौकीदार ने सीसीटीवी कैमरे बंद देखे, इसके बाद चौकीदार ने मंदिर में मौजूद लोगों को जानकारी दी और लाइट जलाई गई। लाइट जलते ही चोर वहां से भाग निकले। वहीं मंदिर के कर्मचारियों ने रतनपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। रतनपुर पुलिस मामले की जांच पर जुट गई है और अज्ञात चोरों की तलाश कर रही है। आसपास के मंदिरों से सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। रतनपुर से ताहिर अली की रिपोर्ट। ये बीती रात सोमवार की रात को कुछ नकाबपोश जो अपने साथ हथियार भी रखे हुए थे लखनी देवी मंदिर में चोरी करने के उद्देश्य से घुसे हुए थे और वहां पर उनके द्वारा जो ताला को भी तोड़ा गया था और हालांकि उन चोरी नहीं कर पाए और बाद में उनको कैमरा का डीवीआर के बारे में पता चला तो डीवीआर को अपने साथ लेके चले गए हैं, जिसके संबंध में हरिहर प्रसाद तंबोली के द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया गया है और थाने में रिपोर्ट अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। अभी तक डीवीआर को चोरी करने से उसका एक बैकअप था जिससे भी चोरों का हुलिया सामने आया है, जिसमें 3 नकाबपोश चोर हैं जो हाफ पैंट पहने हुए हैं और तीनों के पास धारदार हथियार हैं। तीनों की पतासाजी की जा रही है और साइबर सेल से भी निगाह रखी जा रही है, टावर डंप लेकर भी इनके ऊपर इनकी पतासाजी की जा रही है और जल्द ही चोरों की पतासाजी कर गिरफ्तारी की जाएगी। अब तक मंदिरों को भी खंगाला जा रहा है। ये अभी तो लखनी देवी मंदिर और उसके आसपास जो भैरव बाबा मंदिर है और वहाँ जो जाने वाले रास्ते हैं उस पे लगे सीसीटीवी फुटेज को चेक की जा रही है, तो अभी तक केवल लखनी देवी मंदिर जहाँ पर चोरी हुआ है वहाँ पर चोरों की उपस्थिति पता चली है, तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि ये पहाड़ के रास्ते से आए थे और फुटेज चेक कर आगे भी अन्य शहर में फुटेज जो है उनको चेक किया जा रहा है।